गाइस, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए जॉर्ज रेड्डी के ट्रेलर का रिएक्शन। और जॉर्ज रेड्डी का ट्रेलर में बहुत टाइम से हमें कमेंट्स के अंदर आ रहा था, और लाइक मैं इसलिए नहीं कर रहा था बिकॉज ये जो जिसका अपलोडर जिसने अपलोड किया ये जो ट्रेलर है वो हमें काफी हद तक ब्लॉक करता रहता, तो इस वजह से मैं नहीं करता। लेकिन मैं देखा बाकी लोगों के भी रिएक्शन आए हुए, तो इसलिए फिर हम लोग कर सकते हैं आराम से। और वो बंदे ने स्टूडेंट यूनियन के लिए काफी काम किया हुआ है, एंड साथ में मूवी को डायरेक्ट किया जीवन रेड्डी ने, जो इतना मतलब अभी एक्सपीरियंस नहीं है राइटर पर। देखते हैं इस मूवी को कैसे वो संभालते क्या करते हैं। हाँ, और मैंने एक्चुअली इसकी स्पेशली इस मूवी के रिलेटेड और इस स्पेशल इंसान के बारे में जिसकी आप बात कर रहे हो उनके बारे में मैंने विकिपीडिया में पढ़ा था, और उसमें बताया गया कि ये डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ थे और इनइक्वालिटी के, और उसकी वजह से उनकी सिर्फ 25 ईयर ऑफ एज में उनकी डेथ हो गई थी, उनका मर्डर कर दिया गया था। उनके साथ एक्चुअली में क्या हुआ था, उनकी लाइफ स्टोरी क्या थी, वो हमें ट्रेलर के थ्रू तो नहीं पता चलेगा, पर मूवी के जरूर थ्रू पता चलेगा। तो एक बार शॉर्ट फॉर्म में हम देखते हैं। वही हमने ट्राई किया कि लाइक स्टोरी का थोड़ा ऊपर का ही पता करें, ज्यादा अंदर का नहीं करें तो ट्रेलर देखने में उतना मजा नहीं आएगा। हाँ। तो देखते हैं ट्रेलर में क्या होता है और जॉर्ज रेड्डी रियल में है कौन और क्या है, तो देखते हैं। फिर आप भी देखो हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। रेडिएशन इज टेकिंग ओवर, पूर स्टेइंग पूर एंड रिच बिकमिंग रिचर। बीइंग अगेंस्ट दिस वी हैव रेज्ड आवर वॉइस टू प्रोटेस्ट, बट आवर प्रोटेस्ट हैज रिमेन अनहर्ड। ఈ దేశంలో పుట్టి ఈ దేశపు గాలి పీల్చి ఈ దేశం కోసం పోరాడుతున్న విద్యార్థులారా, యుద్ధానికి సిద్ధం కండి, పరాత్మకి! ఇటు నెక్స్ట్ లెవెల్. ఎవడో కొత్త పోరాడు సార్, పేరు జార్జ్. జార్జ్ రెడ్డి. ఇతను ఎవరు? భగత్ సింగ్. ఇప్పుడు ఇతను ఉన్నాడు. ఎనీబడీ కెన్ సాల్వ్ దిస్? చెప్పు, ఎంఎస్సీ రెండో సార్ కదా, వన్ ఇయర్ రెస్టిగేట్ లెటర్ టైప్ చేయండి. నేను అనుకున్న క్యాంపస్ అది కాదమ్మా. జార్జ్ రెడ్డి దాదా అయింది అన్న కాలేజ్లో, అవుటర్స్ లోపలికి రావాలంటే నేను భయపడుతున్నారు. అంతే కదా కౌశిక్, అప్పర్ కాస్ట్ అంటే అసలు ఆలోచించుకుని కొడుతున్నాడు. అసలు ఈ ఎవడయ్యా, నిన్నగాక మొన్న వచ్చాడు. స్కాలర్షిప్లు రాకుండా చేసిన ఏం చేసినా సరే గల్లా పట్టుకుని మరీ ప్రశ్నించండి. వారి ఒంటి నిండా 22 కత్తిపోటు, అన్నిటికీ కారణం మీరే. పండించిన రైతుకి తింటారు కూళ్ళు, కొళ్ళు తప్పుకోవడానికి గుట్టలేదు. बहुत ही प्रॉमिसिंग ट्रेलर था, एंड जो चीजें दिखाई गई है यार उससे एकदम वो अंदर से मतलब एक रेवोल्यूशनरी फील आ जाती है। बिकॉज किस तरीके से वो लड़के ने एक जो नॉर्मली कॉलेज में आया हुआ है, थोड़ी फाइट फाइट तो हर जगह होती है, हर कॉलेज में होती है, लेकिन वो फाइट्स का लेवल देख के मैं हैरान हो गया था। वो देखा था वो जो नाइट वाला सीन आया था जब उधर से गुंडे आ रहे हैं और सब लोग आ गए और एक पूरा ग्राउंड भर चुका और सब लोग उसे लड़ रहे हैं, ऐसे वो युद्ध वाली फिल्म होती है ना, वैसा फील आ रहा था बीच में तो। लेकिन वही दिखाया जा रहा था कि वो किस किस चीजों से लड़ रहे थे, लाइक वो कास्ट से लड़ रहे थे कि अगर तुम अपर कास्ट के हो ये सब बोलोगे तो जॉर्ज रेड्डी तुम्हें परेशान करेगा, वो देखा था जाकर बोल रहे थे, तो वो चीज से लड़ते, डिस्क्रिमिनेशन से लड़ रहे थे। और हर एक चीज जैसे मान लो अगर उसमें स्कॉलरशिप वाले हैं उनको प्रॉब्लम कर रहे थे उससे लड़ रहे थे, और जो सारे गुंडे भरे पड़े थे पूरे कॉलेज के अंदर उनको भी मतलब परेशान कर रहे थे। एंड वो मतलब जो नॉर्मली क्या होता है कि जो हमने देखा है जैसे रेवोल्यूशनरी होते हैं वो नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हम मारेंगे नहीं, बिना मारे इनको परेशान करेंगे, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि वी विल काउंटर वायलेंस विद वायलेंस। तो वो काइंड ऑफ वो भगत सिंह से बहुत इंस्पायर्ड थे और रशियन आइडियाज से भी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, तो बहुत ही इंस्पिरेशनल मूवी लगी है। हाँ, मुझे जब मैंने ट्रेलर देखा आई वाज लाइक
कि फील हो रहा था कि हाँ ये रियलिटी में हुआ है. और उस टाइम पे हमने एक्चुअली बहुत बुक्स में भी पढ़ा है कि उस टाइम इनइक्वालिटी के ऊपर बहुत बहुत बड़ा मैटर हुआ था. मेनली गांधी जी ने बहुत बड़ा मूवमेंट भी स्टार्ट किया था जब वो आउट ऑफ इंडिया में थे वहां से. और आप रेड्डी जी की बात करें, जॉर्ज रेड्डी, तो वो एक्चुअली बचपन से इंस्पायर्ड हुए थे अपने ये कर्तव्य और ये सब करने में, जैसे हमने ट्रेलर में देखा. और वो भगत सिंह से, जैसे आपने बताया, वो उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गए थे. और जब वो कॉलेज में उन्हें एंटर हुए तो उन्हें अपने आसपास ऐसा एनवायरमेंट देखा कि नहीं, हर जगह बहुत इनइक्वालिटी हो रही है. मतलब मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, उनके आसपास के लोगों के साथ गलत हो रहा है. कि मतलब जैसे उन्हें स्टार्टिंग में बोला, रिच इंसान रिचर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है. हाँ, और अभी भी एक्चुअली ये चीज अभी भी चल रही है. तो वो उन सब चीजों को हटा के एक अलग रिवॉल्यूशन लेकर आना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी, वो भी सामने वाली अपोजिशन पार्टी के थ्रू. और ऐसे कि हमने बीच में भी देखा था कि मेनली फार्मर्स के साथ भी बहुत बीच में बहुत ज्यादा गलत हुआ था, जो कि अभी भी हो रहा है. जैसा हम देखे तो कि अभी भी बहुत सारे फार्मर्स, जैसे कि अभी रिसेंटली न्यूज चल रही है फार्मर्स के रिलेटेड की, वो लोगों को खाना नहीं मिल रहा है. वो खुद खाना दे रहे हैं हम लोगों को, पर उन्हें खुद को नहीं मिल रहा है. दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग. मेरे हिसाब से तो ये ट्रेलर और ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है. और मुझे, मैं एक्चुअली चाहती हूँ ये मूवी देखना, कि बहुत प्रॉमिसिंग एक्टर लग रहा है. जो भी हमारे जो एक्टर है संदीप माधव, वो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है. लग नहीं रहा कि मतलब उन्होंने कोई भी कसर छोड़ी है कि मतलब इंस्पायर होने की और हमें इंस्पायर करने की. इस पूरे ट्रेलर की मुझे बेस्ट चीज जो लगी थी वो थी लास्ट लाइन की, जीना है तो बढ़ना सीखो और कदम कदम पे लड़ना सीखो. मतलब हमें हर कदम पे पूरी सिचुएशन के साथ, जो भी सिचुएशन हो, जैसी भी कंडीशन, उसको डील करना आना चाहिए और हार के बैठ नहीं जाना चाहिए. वो चीज मुझे सबसे बेस्ट लगी थी. वही, वो पूरे ट्रेलर में ऐसे इंस्पिरेशन हर जगह ही थी. एंड वो लाइक किक बॉक्सिंग भी करने आती है उनको. हाँ. इतने अच्छे मार्शल आर्ट्स भी करते हैं एंड साथ में वो पढ़ाई में भी अच्छे खासे. फिर वो सोशल इश्यूज पे भी लड़ रहे हैं. एंड मेरे को लगता है वो सिर्फ अपनी मतलब कॉलेज की जो अपोजिशन होती है सिर्फ उससे उनकी लड़ाई नहीं थी. हाँ. मेरे को लगता है उनकी लड़ाई और बड़ी हो चुकी थी. वो दिख रहा था एक मिनिस्टर की भी एक बार विजुअल आया था कि वो मतलब जो स्टेट के लीडर्स होते हैं उनसे तक से लड़ने लग गए थे. तो जिसकी वजह से मेरे को लगता है उन पर बहुत खतरा बढ़ गया था. एंड अभी तो काफी हद तक प्रोटेक्शन है, लाइक ऐसे स्टूडेंट लीडर्स होते हैं उनको बचाव हो जाता है. लेकिन तब के टाइम में तो लाइक वो मरवाना होता था, वो मरवा ही देते थे. तो ये एक थोड़ी सैड स्टोरी भी होगी लेकिन इंस्पिरेशन भी होगी. तो वही बहुत अच्छा ट्रेलर लगा. आप लोगों को कैसा लगा भाई कमेंट में जरूर बताएगा. और ऐसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करते जाइए. बाय.